घबरा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग चक्रवात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दोनों ही राज्य के कुछ हिस्सों में 3 जून यानी कि कल भारी बारिश की संभावना है, लिहाजा मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। लो लाइन एरिया के लोगों की सुरक्षा, सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। 3 तारीख को निसर्ग चक्रवात के 120 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात में टकराने की संभावना है। इसको लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही हाई अलर्ट पर हैं। तो 3 जून को यानी कि कल ये तूफान टकरा सकता है। हालांकि मछुआरों को तट के पास जाने की नहीं जाने की सलाह दी और साथ ही जो लो लाइन एरिया है वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का भी आदेश दे दिया गया है। इस तूफान के चलते महाराष्ट्र और गुजरात हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात कर दी गई हैं निसर्ग तूफान की ये दस्तक, जिसको लेकर के ये पूरी तैयारी एनडीआरएफ टीम की। तो पालघर, मुंबई और नवसारी, गुजरात का जो नवसारी है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि एनडीआरएफ की टीमें हालांकि वहां पर तैनात कर दी गई हैं, खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर तैयार हैं और जो लो लाइन एरिया है वहां से लोगों को भी सेफ जोन में या फिर सुरक्षित जोन में शिफ्ट किया गया है।